देखो भाई, ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले बता पूर्णांक क्या होते हैं, दो है पूर्णांक क्या होते हैं। देखो पूर्णांक, सबसे पहले पूर्णांक को समझो, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है, हाँ ठीक है, ये पूर्णांक नंबर होते हैं, यहाँ माइनस होता है, ठीक है, देखो पूर्णांक संख्या होती है इधर माइनस की लेफ्ट की तरफ और इधर प्लस की। अब इनने एक बात अपने से पूछी है, इन्होंने कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देखो धनात्मक पूर्णांक ये हैं आपके, ठीक है, अब पूर्णांक धनात्मक क्रमागत क्या होता है, क्रम से आने वाले, यानी जैसे एक के बाद क्या आएगा, दो के बाद, तीन के बाद, तो ऐसे ही इसमें दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक पूछे हैं। तो देखो यहाँ पे माना, देखो यहाँ पे माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक x और एक x प्लस वन, माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x x प्लस वन है, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसमें लिखा है दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इसका गुणनफल x और x प्लस वन का गुणनफल कितना है, 306। अब देखो जरा चेक करके बताएं, जैसे आपने प्लस एक माना, तो अगर इसमें एक रखोगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, तो एक कॉमा दो, अगर आप इसमें दो रखते हो तो इसमें कितना हो जाएगा, तीन, दो धन एक, अगर आप इसमें तीन रखोगे, तीन, तीन धन एक, तो क्रमागत आ रहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब इसका गुणनफल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजुगल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इजुगल टू 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करो, 306 का, 306 का गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, एक लाना है, यही पोजीशन है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 माइनस 17 सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स 306, एक्स कॉमन ले लो जल्दी से, 17 कॉमन ले लो, 17 एकम 17 और कितने बचे, 136, 17 अट्ठे 136 होते हैं, ठीक है, मान लेना, एक्स प्लस 18 एक्स माइनस 17 टेबल आती नहीं है आपको, 17 की टेबल से एक्स प्लस 18 आएगा, ठीक है, ये एक्स प्लस 18, अब टेबल नहीं याद है, मैं थोड़ी याद करूँगा, हाँ हाँ, एक्स बराबर 17, ठीक है, यानी संख्या देखो, हम कौन सी संख्या ले रहे हैं, धनात्मक, तो धनात्मक संख्या भाई 17 आ रही है, तो एक धनात्मक संख्या हो जाएगी 17, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 18, 17 का 18 में गुणा कर दो, 306 आना चाहिए मल्टीप्लाई में, वेरीफाई हो जाएगा, 17 का गुणा 18 में, अगर 17 का पाड़ा याद हो, ठीक है ठीक है ठीक है।